महाराष्ट्र से राज ठाकरे और आदित्य ठाकरे अयोध्या रहे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री सॉफ्ट हिंदुत्व को ताकत बना रहे। बिहार में नीतीश सरकार जानकी नवमी को भव्य तरीके से मनाती है। इस साल से लेकर 2024 तक बीजेपी के सामने अपनी अपनी पॉलिटिकल पोजीशनिंग की क्या ये चुनावी फील्डिंग है? जैसे महाराष्ट्र में बीएमसी का चुनाव आ रहा, खुद को बड़ा हिंदुत्ववादी दिखाने की होड़ है ठाकरे बंधुओं के बीच। राज ठाकरे 5 जून को अयोध्या जाने वाले हैं। उनके पोस्टर लग गए कि राज तिलक की करो तैयारी, 10 जून को आदित्य ठाकरे अयोध्या जा सकते हैं। अभी से पोस्टर वार हो गई, जिसमें शिवसेना कहती है कि असली आ रहा है, नकली से सावधान। राजनीति इतनी भर नहीं, राज ठाकरे के अयोध्या दौरे को लेकर यूपी में अयोध्या और कैसरगंज दोनों जगह के बीजेपी सांसद ही आमने सामने आ गए। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह राज ठाकरे को उत्तर भारतीयों का विरोधी बताते हुए अयोध्या में ना घुसने देने की चेतावनी देते हैं। अयोध्या के बीजेपी सांसद स्वागत करने की तैयारी करते हैं। हनुमान जी की कृपा राज ठाकरे पर हुई है, इसलिए वह प्रभु श्री राम की शरण में आ रहे हैं, और जो भी प्रभु श्री राम की शरण में आएगा, हम अयोध्या के राम भक्तों के सेवक होने के नाते उनका हार्दिक स्वागत करेंगे। भगवान राम के वंशजों को भी को ही आप भैया कहोगे, भैया भैया कहोगे, अपराधी कहोगे, पीटोगे और राजनीति करने के लिए राम जी का दर्शन करोगे, हम ही को मारोगे और हमारा नाम लेकर के राजनीति करोगे, ये नहीं होने दूंगा। क्या करेंगे आप? जो करेंगे दुनिया देखेगी। आप एक बात जान लो कि उनको घुसने नहीं दूंगा, एयरपोर्ट से आवे या ट्रेन से आवे, अयोध्या में उनको घुसने नहीं दूंगा। बीजेपी की ताकत हिंदुत्व है, बहुसंख्यक वोट का बहुत बड़ा गणित। उसी गणित को छत्तीसगढ़ में तोड़ने में लगातार कांग्रेस सरकार के मुखिया भूपेश बघेल जुटे हैं। राम वनगमन टूरिज्म सर्किट, बरगद, पीपल, नीम, कदम जैसे पेड़ लगाकर कृष्ण कुंज नगरों में विकसित करने की बात। राज्य में रामायण मंडली प्रोत्साहन योजना, शिवरी नारायण में रामायण इंटरप्रिटेशन सेंटर, चंद्रकूरी में भगवान राम की माता कौशल्या का मंदिर, लक्ष्मणेश्वर मंदिर और शबरी माता मंदिर, ये सब वो योजनाएं जिनके बाद राम किसके की राजनीति छत्तीसगढ़ में होने लगी। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण को इतने समय तक टाल के रखता है, आज अचानक राम भक्त होने का नाटक कर रहे हैं, मगर ये पूरी कांग्रेस पार्टी कितना भगवान पे निष्ठा रखती है। इन लोगों ने शपथ पत्र दिया था न्यायालय के सामने राम सेतु के मामले में, इनको तकलीफ क्या है? और ये तो वोट के लिए भगवान को मानते हैं, वरना इनकी आस्था नहीं है उसमें। ये केवल चुनाव आता है तभी जय श्री राम बोलते हैं, बचा समय ये लोग इन लोगों को याद नहीं आता। ये जब अयोध्या वाला मामला भी आप देखेंगे तो 1925 से बना है, तो 1975 तक के 80 तक वो क्या कर रहे थे? तब उनको राम की याद नहीं आई? वो तो देखा कि इससे वोट मिल सकता है, इसलिए वो कूदे वहां। राम को राजनीति के लिए इतना सहायक राजनेताओं ने बना लिया कि जानकी नवमी की शुभकामनाएं भी बिहार के नेताओं की पोस्ट तक सीमित रही। राम को अपनाने के लिए दौड़ने वाले राजनेता भी जानकी नवमी पर देश भर में बहुत सक्रिय नहीं दिखे, सिर्फ बिहार के सीतामढ़ी में ही उत्सव दिखता है। क्या इसलिए क्योंकि राजनेताओं को लगता है कि वोट सिर्फ राम के नाम से ही तो मिलते आ रहे हैं? आज तक ब्यूरो।